दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। समय समय पर हमारी दुनिया में कुछ रहस्यमयी और अचरज भरी घटनाएं घटती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना टूनिशिया के रेगिस्तान में घटी, जब वीरान पड़े रेगिस्तान में रातों रात एक विशाल झील का निर्माण हो गया। स्थानीय लोगों ने इस झील को लेक द गाफसा का नाम दिया है। झील के बनने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये भूकंपीय प्रक्रिया है, किसी गड़बड़ी या उथल पुथल के चलते जमीन के नीचे का पानी सतह पर आ गया है। बाकी पूरी हकीकत तो जांच के बाद ही सामने आएगी। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को इस झील के पानी को ना इस्तेमाल करने की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को आगाह किया है कि इस झील का पानी जहरीला और सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में जब पानी निकला तो नीले रंग का था और बाद में ये गहरे हरे रंग में बदल गया। हालांकि प्रशासन की चेतावनी के बाद भी लोग इसके नजदीक जाते हैं। वो यहाँ की चिलचिलाती गर्मी में झील का मजा लेने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक 1 हेक्टेयर से ज्यादा की दूरी में फैली इस झील का आकार 10 लाख क्यूबिक मीटर हो सकता है। वहीं इसकी गहराई 10 से 18 मीटर तक हो सकती है। यह झील टूनिशिया के गाफसा शहर में मौजूद है। यहाँ पर देश की सबसे बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री है और गाफसा शहर फॉस्फेट माइंस का सबसे बड़ा ठिकाना है। रेगिस्तान में इस तरह जमीन से पानी निकलने की ये इकलौती घटना नहीं है। सदियों से जियोलॉजिकल परिवर्तन के कारण ऐसे चमत्कार रेगिस्तान में होते आए हैं। इस प्रक्रिया में कुछ जियोलॉजिकल गतिविधियों के कारण जमीन की गहराइयों में पानी सतह पर आकर इकट्ठा हो जाता है और ऐसे में ये एक तालाब का रूप ले लेता है। ऐसे तालाब जियोलॉजिक भाषा में गोएल्टा कहलाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कभी सूखते नहीं हैं। ऐसा ही एक गोएल्टा विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा में स्थित है, जो कि गोएल्टा दी आर्ची के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर रोज रास्ते से गुजरने वाले ऊँटों के काफिले पानी पीने और आराम करने आते हैं। एक और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इस सुदूर वीराने में स्थित इस गोएल्टा में नील मगरमच्छ भी रहते हैं, जो कि नील क्रोकोडाइल के आखिरी बचे हुए कुछ चुनिंदा ठिकानों में से एक हैं। ये क्रोकोडाइल इसमें रहने वाली मछलियों को खाकर और मछलियाँ शैवालों को खाकर जिंदा रहती हैं। गोएल्टा के प्लेटूस पर मध्य काल में बनी रॉक पेंटिंग भी पाई जाती है। ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि ये गोएल्टा कितनी सदियों पुराना है। वैसे तो ये गोएल्टा सहारा रेगिस्तान के सुदूर वीरान इलाके में स्थित है, इसलिए वैज्ञानिकों के अलावा यहाँ पर जाने की कोई नहीं सोचता, पर कभी कभार कुछ शौकिया टूरिस्ट भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जाने के लिए रेगिस्तान में चलने वाली स्पेशल जीप से सफर करना पड़ता है। 4 दिन के सफर के बाद आप इस इलाके के करीब पहुँच सकते हैं। आगे के कुछ घंटों का सफर आपको पैदल ही पूरा करना पड़ता है। इस तरह 4 दिन गाड़ी और कुछ घंटों पैदल सफर करके आप सहारा रेगिस्तान में स्थित इस नखली स्थान में पहुँच सकते हैं। हमारी राय यही है कि यदि आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर आने से पहले आप डिस्कवरी चैनल पर आने वाले प्रोग्राम मैन वर्सेस वाइल्ड के कुछ एपिसोड्स जरूर देख लें, ताकि अगर आप किसी असामान्य परिस्थितियों में फंस जाएं तो आप अपनी सहायता स्वयं कर सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।